गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट में पार्ट 3 करने वाले हैं। बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 10 कर रहे हैं हम, एंड फाइनेंशियल मार्केट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बारे में दैट व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे क्या होता है सिक्योरिटीज़ का, यस क्रिएशन एंड एक्सचेंज। एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स क्या थे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी हमने देख लिए। कैपिटल मार्केट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सो अल्टीमेटली जो सेकेंडरी मार्केट था जिस पे ट्रेडिंग हो रही थी सिक्योरिटीज़, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है विच इज़ ट्रेडिड इन द सेकेंडरी मार्केट, जिसको हमने स्टॉक एक्सचेंज भी बोला था। अब व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ, देखो, अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है जिस पर ट्रेडिंग हो रहा है, यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज, बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटीज थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज द कंपनीज हैव टू गेट द सिक्योरिटीज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। जो बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजेक्शन एक्सचेंज हो रहा है एग्जिस्टिंग शेयर्स का, उसको हमने क्या बोल दिया, वो जो प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म है, उसको हमने बोल दिया स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन मार्केट, इट मीन्स एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वेयर द सिक्योरिटीज, लाइक कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ यहाँ पर ट्रेडिंग होगी, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड एसेट्रा, इश्यूड बाई द कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या तो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजेक्शन यहाँ पर कर सकती है। दस एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है बाइंग एंड सेलिंग का, एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वादर इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एस्टेब्लिश्ड, फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन दी सिक्योरिटीज। तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये डिफाइन यहाँ पे दी है। आपको बेसिकली पता चल गया व्हाट इज़ स्टॉक एक्सचेंज, तो जो बायर्स एंड सेलर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग होता है वो। ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन कैसे होता है, फंक्शंस क्या होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, तो फर्स्ट यहाँ पे है दैट प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी इन टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, दैट प्रोवाइड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तो अब पता है आपको, एक्चुअली ये मेन फंक्शन होता है स्टॉक एक्सचेंज का, स्टॉक मार्केट का, इज टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज। हियर वी कैन से दैट स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट, इट विल गिव अश्योरेंस टू द इन्वेस्टर दैट देयर इन्वेस्टमेंट कैन बी ईजीली कन्वर्टेड इन टू द कैश वैन एवर दे वॉन्ट। इसलिए यहाँ पे बेसिक क्या है दैट इट प्रोवाइड लिक्विडिटी, क्योंकि सामने उसको मार्केटेबिलिटी भी मिलती है कि किस हिसाब से, जिसका जो जिसका सेविंग है, जिसने इन्वेस्ट किया है, इट गिव्स अश्योरेंस टू द इन्वेस्टर्स दैट देयर इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इन टू द कैश वैन एवर दे वॉन्ट। एंड सामने उसको क्या मिल रहा है, मार्केटेबिलिटी भी मिल रही है। अब किसके हिसाब से, किस अकॉर्डिंगली उसको मार्केटिंग मिलेगा, मार्केटेबिलिटी मिलेगी, देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज का फर्स्ट पॉइंट मैं रीड कर रही हूँ। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द बायर्स एंड सेलर्स टू सेल एंड बाय द सिक्योरिटीज, दिस फैसिलिटेट डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। आई मीन टू से, कोई बाय करेगा, इट मीन्स कोई इन्वेस्ट करेगा तो कोई डिस इन्वेस्ट करेगा एंड देन कोई री इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, एंड दस प्रोवाइड्स बोथ द लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, इट मीन्स मार्केट में ही देर आर सम बायर्स जिसको सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है एंड देर आर सम सेलर्स जिसको डिस इन्वेस्ट करना है। तो दोनों ही, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज का फीचर्स दिया था, इट इज़ अ कॉमन प्लेटफॉर्म
फॉर बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग विद द सिक्योरिटीज. आर यू गेटिंग क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट है प्राइजिंग ऑफ द सिक्योरिटीज. अब यहाँ पे प्राइजिंग क्या रोल प्ले कर रहा है. प्राइजिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, दिस फोर्सेज ऑफ प्राइस की बात आए तो हमारे दिमाग में मार्केट फोर्सेज एडमिन डिमांड एंड सप्लाई आता ही आता है. द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट. कॉन्स्टेंट वैल्यूएशन ऑफ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इज डिटरमाइंड बाय द मैकेनिज्म ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. अब ये मैकेनिज्म क्या है स्टॉक एक्सचेंज का, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. और किस हिसाब से एक्सचेंज होता है, दैट इन अ सच अ वे दैट इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू बोथ बायर्स एंड सेलर्स. जो सेल्स या तो जो ट्रांजेक्शन्स होता है, बाइंग एंड सेलिंग जो सेल होता है सिक्योरिटीज़ का, वो मार्केट में होता है और विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट फोर्सेज. बाय द मार्केट फोर्सेज इट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों को फैसिलिटेट कर रहा है एंड दोनों के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी जो भी फ्लक्चुएट हो रहा है मार्केट का, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है प्राइस का, वो दोनों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है. द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड द प्राइस फॉर अ शेयर्स दैट बायर्स एंड सेलर्स कैन एक्ट अपॉन. इट मीन्स यहाँ पे स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स and this securities of the profitable and growth oriented companies are valued higher as there is more demand for such securities. जो क्रेडिट वर्दी एक नेस कंपनी है जो ग्रोथ कर रही है, ऑब्वियसली उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, सो जो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज है वो भी इंक्रीज होगी. सो यू वी कैन से दैट दोनों को यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी प्राइस की. The investor can know the value of their investment and the creditors can value the creditworthiness and government can impose tax on the values of the securities. ठीक है. Third point है safety of the transaction. The membership and dealing of a stock exchange are regulated by a well-defined existing legal framework. ये जो भी स्टॉक मार्केट है, मीन्स प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंज एंड प्राइमरी स्टॉक, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, हमने देखा सेकेंडरी मार्केट को हमने स्टॉक एक्सचेंज बोल दिया. किस हिसाब से ट्रेडिंग होती है, किस हिसाब से यहाँ पे प्रोसीजर्स हो रही है, जो प्रोसेस है किस हिसाब से कंपनी फॉलो करके मार्केट में शेयर इश्यू करती है, तो उसके जो नॉर्म्स है, टर्म्स एंड कंडीशन है विच इज़ कंट्रोलिंग बाय द कंपनीज एक्ट. इवन जो मार्केट है उसको रेगुलेटेड करती है सेबी. अब ये सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कम्प्लीटली सेबी के ऊपर है कि भाई सेबी का रोल क्या है टू मेंटेन टू कंट्रोलिंग द स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है ना. तो यहाँ पे है सेफ्टी ट्रांजेक्शन. तो सेफ्टी ट्रांजेक्शन इन अ स्टॉक मार्केट, ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर द ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज. अथॉरिटीज इंक्लूड द कंपनीज नेम in the trade list only after the verifying even assessing the soundness of the companies. यू ही मार्केट में सिक्योरिटीज को इश्यू नहीं करती, आफ्टर द असेसिंग, आफ्टर द वेराइंग एंड देन फिर ट्रेडिंग हो सकता है सिक्योरिटीज का. एंड देन कंपनी विच आर द लिस्टेड ऑल्सो हैव टू ऑपरेट विद इन द क्राइटेरिया ऑफ द कंपनीज एक्ट. इट मीन्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस पे वर्क कर सकती है. जो भी सेफ्टी ट्रांजेक्शन, इट मीन्स जो डीलिंग करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, जो भी डीलिंग कर रही है अपने सेवर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, वो एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए. तो यहाँ पे सेफ्टी ट्रांजेक्शन को हाईलाइट किया है. इट इज़ अ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. A stock exchange is an institution where the existing securities are resold or traded. Like a basic चीज सोचो, हमने economics में भी पढ़ा था that कैसे circular flow of income हो रहा है, कैसे किसी का saving है, किसी का surplus जो amount है, remaining जो income का surplus है, वो saving किस हिसाब से market में जाता है, investor के पास circulate हो रहा है, and then again किसी का एक्सपेंडिचर किसी के लिए इनकम बनेगा, एंड देन किसी का सेविंग किसी के लिए इन्वेस्टमेंट बनेगा.
आर यू गेटिंग? सो हाउ इकोनॉमी कैन रन स्मूदली विद सर्कुलेटिंग प्रॉपर फ्लो? तो यहाँ पे सेम यही पॉइंट पर फोकस किया है, दैट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर रीसोल्ड और ट्रेडेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट. वही सेविंग्स एंड सेव इन्वेस्टमेंट वाला, कोई सेल कर रहा है तो कोई इन्वेस्ट कर रहा है, डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट. द सेविंग्स आर चैनलाइज्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. मेरे पास एक्सेस पैसा है, एक्सेस सेविंग पड़ा है, मैं मार्केट में फ्लो करूँगी, इट मीन्स इन्वेस्ट करूँगी, एंड दस इट लीड्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन. बिजनेसमैन के लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन. फर्दर प्रोडक्शन होगा, फर्दर प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में क्या होगा? मोर आउटपुट, इट मीन्स मोर एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रोटेशन होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का. सो अल्टीमेटली इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज ऑफ द वेरियस कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड. And this process of the disinvestment and reinvestment helps to savers, it means investment in a most productive investment proposal, जो it will leads to economic growth, जो ultimately किसको grow करेगा? हमारी economy का. ठीक है, growth का एक reason है, one of the वो है stock exchange. Next point है fifth number का, spreading of equity cult. इक्विटी कल्ट हियर बाई प्रोवाइडिंग द बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिस, एजुकेटिंग द पीपल अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स एंड रेगुलेटिंग न्यू इश्यू. हमने पहले ही डिस्कस किया था, दो मार्केट है, प्राइमरी मार्केट जहाँ पे कंपनी फर्स्ट टाइम इश्यू करती है या तो फर्दर एक्सपांसन के लिए या तो न्यू इन्वेंशन के लिए, जो भी कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर इशू करती है उसको हमने न्यू इश्यू बोल दिया. न्यू इश्यू स्टॉक एक्सचेंज एंश्योर द वाइड शेयर ऑनरशिप. ऑनरशिप इट मीन्स जो भी इक्विटी शेयर मेंबर्स जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो क्या हो गए? ऑनर्स ऑफ द कंपनी. तो अल्टीमेटली इट एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन द ऑनरशिप सिक्योरिटीज में. भाई आप इन्वेस्ट करो, कंपनी में आपकी ऑनरशिप का स्टेटस मिलेगा, एंड देन उस कंपनी को फर्दर क्या मिलेगा? ग्रोथ मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिस होगी. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एजुकेशन ऑफ द पब्लिक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, उसको अवेयरनेस या तो इन्फॉर्मेशन देने की बात की है. दैट स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, ताकि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट मिले, ऑनरशिप बढ़े, एंड कंपनी का ग्रोथ हो, बाई डिफॉल्ट इकोनॉमी का भी ग्रोथ हो. नेक्स्ट सिक्स नंबर का पॉइंट है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर द स्पेक्यूलेशन. Providing scope for the speculation. Speculation, it means in order to ensure liquidity and price continuity in the market, stock exchange provides a certain degree of healthy speculation. जिसको knowledge है, जिसके पास information है, जो portfolio management करना जानता है, वो क्या करेगा? तो कि speculatively वो market में buying and selling करेगा, ताकि जो healthy speculation है, it means जो market में fluctuate हो रहा है increase and decrease rate का, उसका वो बेनिफिट ले सके, प्रॉफिट जनरेट कर सके, बट विद इन द लीगल फ्रेम. तो यहाँ पे है द स्कोप फॉर द स्पेक्यूलेशन, इट मीन्स टू एंश्योर द लिक्विडिटी एंड डिमांड ऑफ द सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज. जैसे वो हेल्दी स्पेक्यूलेशन करके मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन कर सकता है. क्लियर है? स्टॉक एक्सचेंज एक रिलायबल मेप है, बैरोमीटर है, जिससे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है, छोटे छोटे सेवर्स है, उनको यहाँ पे जो उसका सेविंग्स है सरप्लस, उसको मोस्ट प्रोडक्टिव यूज होगा, एंड देन मार्केट में जो हम बोले कि इट इज़ नोन एज अ पल्सिस ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमिक मिरर विच रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री. अल्टीमेटली समझ में आ रहा है, इट इज़ अ पल्सिस ऑफ द कंपनी. हम देखते हैं आज स्टॉक मार्केट क्या है, डाउन है, अप है, हमारी इकोनॉमी, हम इट्स लाइक अ बैरोमीटर, रिलायबल बैरोमीटर, जिससे हम इकोनॉमिक की कंडीशन मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एज एन इंट्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑन 12th अप्रैल 1988.
देखो सेबी का जो रूल है वो किस हिसाब से किस हिसाब से सेबी वर्क कर रही है यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेबी का ये क्वेश्चन। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट द सेबी वॉज सेटअप इन 1988 टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। नेक्स्ट यहाँ पे उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है विच बॉडी ऑन द 12th अप्रैल 1988 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ द सिक्योरिटीज एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स। अल्टीमेटली जो भी इन्वेस्टर्स है जो भी छोटे छोटे सेवर्स इट मीन्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना सेविंग मार्केट में, उस इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए वन ऑफ दी रोल है ये सेबी का। एंड देन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर इट्स फंक्शंस। ऑन 30th जनवरी 1992 इट वॉज गिवन अ स्टैचुटरी स्टेटस, इट मीन्स जो 1988 में बना था इट इज़ जस्ट एक रेगुलेटेड बॉडी था, बट आफ्टर दैट एज अ रिजल्ट मई 1992 में सेबी वॉज अ ग्रांटेड अ लीगल स्टेटस। सेबी इज अ बॉडी कॉरपोरेट हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल, इट मीन्स लीगल स्टेटस अब बन गया लीगली। ऑन द 30th जनवरी 1992 इट वॉज अ गिवन स्टैचुटरी स्टेटस थ्रू द ऑर्डिनेंस विच अ लेटर वॉज रिप्लेस बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नॉन एज सेबी एक्ट 1992। ठीक है, 88 को क्या था तो कि 88 को जस्ट एक नॉर्मल गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली एक बॉडी था जो कंट्रोल कर रहा था मार्केट में, बट उसको गवर्नमेंट एक एग्जिस्टेंस नहीं मिला था, लोग की ओर से एग्जिस्टेंस में नहीं मिला था, लीगल बॉडी नहीं था। देन आफ्टर द 1992 पर क्या हुआ दैट 30th जनवरी 1992 को एक परपेचुअल सक्सेशन एक लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस सेबी को मिल गया। अब नाउ व्हाट आर द रीज़न व्हाट आर द पर्पस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेबी। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट द सेबी वॉज अ सेटअप टू क्रिएट एन एनवायरमेंट टू फैसिलिटेट एफिशिएंट मोबिलाइजेशन एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द सिक्योरिटीज मार्केट। ड्यूरिंग द 1980s देर वॉज अ ट्रिमेंडस ग्रोथ इन द कैपिटल मार्केट ड्यू टू इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक। हियर विद द ग्रोथ ऑफ द डीलिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट्स लॉट्स ऑफ माल प्रैक्टिसिंग, जैसे जैसे यहाँ पे मैंने अभी जस्ट रीड किया कि इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक, लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, कंपनियाँ नई नई लिस्टेड होने लगी। सो इट्स लीड टू मेनी माल प्रैक्टिसिंग, लाइक कौन सी माल प्रैक्टिसिंग्स, तो अल्टीमेटली जो भी माल प्रैक्टिसिंग्स है यहाँ पे दिया है दैट अनऑफिशियल प्रीमियम डिक्लेयर करना ऑन द न्यू इश्यू, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, डिले इन डिलीवरी ऑफ द शेयर्स बाय द ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट एंड अदर इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये वी कैन से दैट यहाँ पे जो पर्पज़ है द पर्पज एंड रोल ऑफ सेबी इज सेबी वॉज सेटअप विद द एम ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन माल प्रैक्टिसिंग एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। इट एक्चुअली सेटअप टू मीट द नीड ऑफ तीन ग्रुप के लिए वो बना था। किसके लिए, किसको वो प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट इश्यूअर्स इट मीन्स जो कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, फॉर द इश्यूअर्स इट प्रोवाइड्स द मार्केट प्लेस, जो कंपनियाँ शेयर इश्यू कर रही है इश्यूअर्स उसको बोलते हैं जो मार्केट में, इट मीन्स सेबी क्या कर रही है, एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रही है इन विच दे कैन राइज द फंड विद द फेयरली एंड ईजीली। क्लियर है, तीन यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है जिसके लिए, जिसके नीड के लिए सेबी वर्क कर रही है। फर्स्ट इज अ इश्यूअर जो कंपनी शेयर इश्यू करती है दैट इट प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस एंड सो दे कैन राइज द फंड फेयरली एंड ईजीली। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा ग्रुप जिसको हम बोल सकते हैं इन्वेस्टर्स। तो मेन जो पर्पज़ है कि भाई जो सेविंग्स जो जिसके पास एक्सेस सेविंग पड़ा है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस मार्केट में,
उसके साथ फ्रॉड ना हो। सो फॉर द इन्वेस्टर्स प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड सप्लाई ऑफ अक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बन गई है स्टॉक एक्सचेंज, ताकि आपको मार्केट में किसी को भी, इवन जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस मार्केट में, उसको भी अक्यूरेटली एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। सेबी इसको सेफ गार्ड कर रहा है। एंड वॉट अबाउट द इंटरमीडियरीज, तो उनके लिए भी सेबी के पास कंट्रोलिंग बॉडी है, दैट फॉर द इंटरमीडियरीज इट प्रोवाइड्स अ कम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट। एक स्मूथ प्रोफेशनल मार्केट दिया है, ताकि जो इंटरमीडियरीज है वो आराम से, जो उसका कमीशन या तो ब्रोकरेज है और या तो उसकी जो इनकम है इस पर फ्लक्चुएशन मार्केट पे, वो इजीली सेफ हो, मतलब सेफ गार्ड करता है इससे भी उसको भी। सो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बोले तो वी कैन से दैट सेबी आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पे दिया है कि भाई किस किस कारण से वो सेबी एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, सेबी का रीजंस दिया है, दैट रीजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट इज अ प्राइस रिगिंग। कई लोग उसको प्राइस रिगिंग भी बोलते हैं। प्राइस रिगिंग दैट इज टू से मैनिपुलेशन made to the inflate or decrease the market price of the securities. अब ये price rigging क्या है, that it is a manipulating with the price of the securities with the main objective, या तो market में inflation है या तो deflation है या तो increase हो रहा है decrease हो रहा है, price के साथ यहाँ पर manipulate करना, उसको बोल रहे हैं price rigging, that the market price of the securities. SEBI prohibits such practices because this can be fraud and cheated with the investment. It can be cheating with the investors. Investors के साथ ये की गई cheating है, अगर market में price को manipulate किया है या तो increase करके या तो decrease करके, ठीक है। Next है cornering. अब ये cornering क्या है, तो कि that is to see a malpracticing with the more and more of the issued share bought by the few individual to have a greater control over the company. तो cornering भी एक वन ऑफ द माल प्रैक्टिसिंग का एक टाइप है। यहाँ पे cornering किस हिसाब से होता है कि भाई कोई कंपनी है, जनरल पब्लिक का इसमें इंटरफेरेंस ना हो, लेंथी प्रोसेस ना हो, इसके कारण से वो अपने नंबर ऑफ रिलेटिव या तो अपने फैमिली मेम्बर्स में या तो फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने जो लाइक कॉन्टेक्ट का जो ग्रुप है, जहाँ से उसका इंटरफेरेंस का कोई फियर नहीं है, दैट वे द मोर एंड मोर शेयर जो इशू कर रही है कंपनी आर बोर्ड बाय द फ्यू इंडिविजुअल या तो कोई इंस्टीट्यूशंस, जो मेनली उसके हाथ में कंट्रोल चला जाए, ताकि जनरल पब्लिक का इंटरफेरेंस कम हो। तो ये है वन ऑफ द माल प्रैक्टिसिंग, जिसको यहाँ पर नाम दिया है कॉर्नरिंग। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ स्टाइल मर्चेंट बैंकर्स। तो जो भी मर्चेंट बैंकर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, अल्टीमेटली जो कंट्रोलिंग कर रही है एंड लाइक रेगुलेट करना, डेवलपमेंट कोड ऑफ कंडक्ट इंटरमीडियरीज, जो ब्रोकर्स अंडरराइटर या तो मर्चेंट बैंकर्स है, उसको भी जो भी फ्रॉड होता है, इट इज़ अ वन ऑफ द रीज़न के उसके लिए भी एस्टैब्लिशमेंट हुई है सेबी। नेक्स्ट है अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, वो भी लाइक जस्ट लाइक ए कॉर्नरी, कि भी कोई कंपनी है या तो कोई इंस्टीट्यूशन है, वो इंसाइडर, उसको इंसाइडर भी ट्रेडिंग हम बोल सकते हैं, इंसाइडर ट्रेडिंग के भी वो क्या करेंगे, यहाँ पे वन ऑफ द एक रीज़न है कि इंसाइडर ट्रेडिंग भी होता है, तो कि प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट इंसाइडर ट्रेडिंग ऑलरेडी वी हैव सीन, बट तो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है वो कोई एक इंस्टीट्यूशन है या तो ग्रुप मेंबर्स की या कोई कंपनी है जो डायरेक्टली बल्क में शेयर बाय कर लेगी, ताकि कंट्रोलिंग उसका रहे। अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इश्यू। मार्केट को ज़्यादा इंसिस्ट या तो इन्फ्लुएंस करने के लिए डिक्लेयर कर देना प्रीमियम ऑन द न्यू इश्यू, ये भी वन ऑफ काइंड एक फ्रॉड है। वायलेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, नॉन अदरेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली 2013 है, भले ही 2015 यहाँ पे लिखा है 1956, बट 2013 हो गया है, उसके अकॉर्डिंगली उसके प्रोविजंस के अगर अकॉर्डिंगली अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगी, तो ये भी अ काइंड ऑफ फ्रॉड है। डिले इन द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स, तो ये सारा फ्रॉड है। एंड दिस रिजल्ट इनटू मैनी इन्वेस्टर्स ग्रीवांसेस अल्टीमेटली,
इट्स यहाँ पे वी कैन से दैट सेबी डज नॉट अलाउ द कंपनीज टू मेक मिसलीडिंग फ्रॉड या तो कोई ग्रीवांसेज एंड देन अल्टीमेटली जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको से भी प्रमोट कर रही है, ताकि यहाँ पे जो ग्रीवांसेज है या तो जो इन्वेस्टर्स के साथ जो फ्रॉड हो रहा है वो स्टॉप हो जाए. यह द गवर्नमेंट एंड द स्टॉक एक्सचेंज वर नॉट एबल टू रिड्रेस द ग्रीवांसेज ऑफ द इन्वेस्टर्स, सो एक सेपरेट एक बॉडी बनाई है गवर्नमेंट ने जो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कर सकती है. दिस नेसेसिटेट द नीड फॉर द सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी एंड हैंस द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश. क्लियरली पता चला आपको मेन थ्री ग्रुप है, लाइक इश्यूअर्स, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडियरीज को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रहा है. प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड सेफ्टी, इंश्योरिंग द सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे जो फ्रॉड हो रहा है, जो माल प्रैक्टिसिंग हो रहा है उसको सेबी क्या करेगी, कंट्रोलिंग करेगी. बिकॉज नाउ फ्रॉम 1992 से उसको स्टैट्यूटरी लीगल स्टेटस मिल गया है, वो सेपरेट एक लीगल एग्जिस्टेंस है उसके पास. तो जो भी इंटरमीडियरीज के साथ जो भी फ्रॉड हो रहा है, जो इश्यूअर्स के साथ इवन दो कभी फ्रॉड होगा या तो इन्वेस्टर के साथ, तो यहाँ पे सब कोड ऑफ कंडक्ट से एक रूल के साथ चले. सो यू वी कैन से दैट सेबी वॉज नॉट एबल टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द स्टॉक मार्केट इफ दे हैव नो लीगल बॉडीज, इफ दे हैव नॉट स्टेटस ऑफ द लीगल स्टेटस, इफ दे नॉट इफ इट वॉज नॉट ग्रांटेड द लीगल स्टेटस बाई द गवर्नमेंट. बट नाउ आफ्टर द 1992 पूरा कंट्रोलिंग सेबी मैनेज कर रहा है, सेबी कंट्रोलिंग कर रहा है. सो इनसाइडर जो ट्रेडिंग है, प्राइस रिगिंग है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, शेयर इशू करना टू मेक द प्रॉफिट, बोनस इशू करना न्यू इशू पे, इन देन यहाँ पे अलग अलग हमने और भी फ्रॉड देखे, दैट वायोलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉन अदरेंस जो फॉलो नहीं करते रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे. तो यहाँ पे मेन हमारा जो टॉपिक अब नेक्स्ट आने वाला है वो है फंक्शंस ऑफ द सेबी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेबी का फंक्शन, इसीलिए अलग से उसका सेपरेट वीडियो बना रही हूँ मैं, ताकि आप सेपरेटली उसको अच्छे से समझ सको. सेबी के फंक्शंस है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आज जो हमने देखा वो व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, उसके फंक्शन क्या है, एंड सेबी क्या है, हाउ सेबी वर्क्स, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमने ली. बट मेन सेबी के फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.